जिला प्रशासन मंडी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। एएसपी मंडी आशीष शर्मा ने जानकारी दी है कि कोरोना महामारी के तहत बनाए गए नियमों का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और वहीं इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित की जाने वाली परेड में स्कूली बच्चों की टुकड़ियां शामिल नहीं होंगी, जिसके चलते केवल पुलिस कर्मियों और होमगार्ड के जवानों द्वारा ही परेड में भाग लिया जाएगा। ज्वालामुखी उपमंडल के जंगल क्षेत्र के मजीन के टिहरी व पलेड़ा के जंगलों में शेर देखने का दावा झूठा साबित हुआ है। मौके पर जांच करने पहुंची वन विभाग व खुंडिया पुलिस की टीम ने ये खुलासा किया। जानकारी के अनुसार गत रात मजीन के पास जंगल में शेर देखने का दावा एक युवक द्वारा पेश किया गया था और घटना के फोटो और वीडियो भी वायरल कर दिए गए थे, जबकि सारा का सारा मामला ही सफेद झूठ साबित हुआ है। दावा पेश करने वाला युवक अद्देदी हट्टी का था। बताया जा रहा है कि गत देर रात युवक अपने दोस्तों के साथ जब मजीन से गाड़ी में वापस आ रहा था तो सड़क पर उसने शेर देखा और उसका फोटो वीडियो भी बनाया। वन विभाग की टीम देर रात ही इस मामले पर अलर्ट हो गई थी, लेकिन सुबह जब उक्त युवक के साथ पूरी विभाग की टीम वहां पहुंची तो मामला पूरा का पूरा झूठा ही साबित हुआ। जिस जगह पर दावा किया जा रहा था कि शेर यहां देखा गया, वहां कोई निशान नहीं था और ना ही वह घटना स्थल था। बताया जा रहा है कि उसके बाद युवक के मोबाइल की जांच की गई तो पता चला कि वीडियो वो फोटो राजस्थान के थे। सारी जांच पड़ताल के बाद युवक ने कबूल किया कि उसने शेर नहीं देखा। उधर ग्राम पंचायत सिलाकड़ के प्रधान ने लोगों को अफवाहों से बचने को कहा है। सोशल मीडिया में फैलाई जा रही खबर को भी झूठा बताया है। बही वन विभाग रेंज ऑफिसर कृष्ण धनोटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे शेर हिमाचल प्रदेश में नहीं पाए जाते। ये वीडियो फोटो और खबर झूठी साबित हुई है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसलिए लोग अफवाहों से बचें। लेकिन युवक को कई बार कहा गया कि ये बात झूठ है, लेकिन वह दावा पेश करता रहा। वन विभाग की टीम ने देर रात से पूरे वन क्षेत्र को खंगाल लिया पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। बाद में मौके पर पहुंचकर मामला कोरा झूठा ही साबित हुआ। वहीं ज्वालामुखी के रेंज ऑफिसर शशि ने बताया कि बयान दर्ज किए जा रहे हैं और मामले की जाँच की जा रही है। जब से कोविड संक्रमण के चलते हिमाचल में लॉकडाउन हुआ था, तभी से जिला प्रशासन जिला को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्य कर रहा है। जिला के सभी प्रशासनिक अधिकारी करीबन 5 माह से दिन हो या रात अपना कर्तव्य बखूबी निभा रहे हैं। जिला प्रशासन की कमियां तो सभी उजागर करते हैं, लेकिन उनका त्याग किसी को भी दिखाई नहीं देता है। ये बात नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष कुल राकेश पंत और व्यापार मंडल सोलन के महासचिव मनोज गुप्ता ने मीडिया के समक्ष कही। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की जागरूकता की वजह से सोलन में कोरोना संक्रमण पैर नहीं पसार पाया और हम सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर भी लौटने लगी है। नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष कुल राकेश पंत और व्यापार मंडल सोलन के महासचिव मनोज गुप्ता ने जिला प्रशासन की प्रशंसा करते हुए कहा कि 5 माह में कई त्योहार और छुट्टियां आई जिसका हम सभी ने अपने परिवार के साथ खूब आनंद उठाया, लेकिन जब हम सभी आनंद उठा रहे थे तब सोलन का जिला प्रशासन हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिन रात अपनी सेवाएं दे रहा था और विभिन्न तरह की व्यवस्थाओं को लेकर चिंतित था। यही वजह है कि सोलन में किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं देखी गई। लोग बाहरी राज्यों से भी आए, लेकिन कोरोना का संक्रमण अपने पैर सोलन में नहीं पसार पाया। उन्होंने कहा कि जहां एक और हमें जिला प्रशासन की कमियों को उजागर करने का हक है, वहीं जिला प्रशासन के अच्छे कार्यों की सराहना करना भी हमारा दायित्व बनता है, ताकि जिला के प्रशासनिक अधिकारियों का मनोबल और बढ़े और वे अधिक ऊर्जा के साथ पहले से और बेहतर कार्य कर पाएं।